ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है, मतलब समय और स्थान का यहां कोई मतलब नहीं है। यहां बस ग्रेविटेशन और डार्कनेस है। इसका ग्रेविटेशन इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब यह कि इसमें जो भी डाला गया वह कभी बाहर निकल के नहीं आता है। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि प्रकाश वापस लौट के ही नहीं आए, ऐसी जगहों को स्पेस में ब्लैक होल बोला जाता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है या कंप्रेस्ड होने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी ग्रेविटेशन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अपने अंदर चला जाता है। वह सब कुछ और अपने में निकलने लगता है। इसके इफेक्टिव क्षेत्र को ही इवेंट होराइज़न्स कहते हैं। किसी भी चीज का ग्रेविटेशन स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है, उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज स्चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, आपकी कई संभावना है। मतलब यह है कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं।